टुक टुक टॉक शो चाहने वाले सभी दोस्तों को विश्वजीत सोनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हमारे टुक टुक टॉक शो में है कॉमेडी की आन, कॉमेडी की शान, कॉमेडी की जान, यानी के महमूद भाईजान। तो महमूद भाईजान जी, आज आपका हमारे टुक टुक टॉक शो में स्वागत है और आदाब बजा लाता हूं। आपने कहा आदाब बजा लाता हूं, मियां ये कोई तबला और सारंगी नहीं है जो आप इसको बजा लाते हैं। एक सवाल, आपने काफी सारे रोल्स किए लेकिन ज्यादातर आपने साउथ इंडियन रोल्स ज्यादा किए, जैसे कि पड़ोसन, दो फूल और भी काफी सारी फिल्में हैं। साउथ इंडियन का रोल आप बड़ा अच्छा करते थे और तो और साउथ इंडियन हीरोइन के साथ आपने ज्यादा काम किया और बॉलीवुड की हीरोइन के साथ कम, टॉलीवुड की हीरोइंस के साथ आपने ज्यादा काम किया, तो ये क्या बात है ये जरा बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैंने साउथ इंडियन रोल्स ज्यादा किए और साउथ इंडियन हीरोइन के साथ ज़्यादा काम किया, वो इसलिए कि हमारी जो बॉलीवुड की हीरोइन थी वो उंगली बहुत करती थी और जो टॉलीवुड की हीरोइंस थी उंगलियां वो भी करती थी, वो भी अच्छी उंगली करती थी लेकिन वो वड़े में उंगली करती थी। वड़े में? वड़े में मतलब मैदू वड़े में, वो वड़े में उंगली करके उसको मैदू वड़ा बना डालती थी तो वो टेस्टी हो जाता था। उंगली करने के भी तरीके होते हैं, जैसे कि कोई पॉजिटिव उंगली करता है और कोई नेगेटिव उंगली करता है। ठीक है, और एक सवाल, आपने फिल्म पड़ोसन बनाई, उसमें आपने दत्त साहब से कॉमेडी करवाई। दत्त साहब जो डाकू का कुखार रोल करते थे, डैशिंग रोल, राजपूत बन के आते थे, उनसे आपने किस तरह कॉमेडी करवा ली एकदम? पड़ोसन में मैंने दत्त साहब को कॉमेडी करवाई। अगर आपने किसी कॉमेडियन से कॉमेडी कराई तो क्या कॉमेडी कराई। मैंने दत्त साहब से कहा कॉमेडी करनी है और वो राजी हो गए। वहां भी मैंने एक वड़े के अंदर ऐसी उंगली की कि वो मैदू वड़ा बन गया और वो इतना टेस्टी हो गया, यानी कि दत्त साहब का रोल एक वड़े से मैदू वड़ा बन गया मेरी उंगली करने से, और वो इतना टेस्टी हो गया कि चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी वो मैदू वड़ा यानी कि दत्त साहब का जो किरदार है लोगों को टेस्टी ऐसा ही लगता है। क्या बात है जी, आए वो तो है। दत्त साहब महान कलाकार के साथ साथ महान इंसान भी थे और वो जो रोल है वो सही में एक मैदू वड़ा जैसा ही रोल है जिसका टेस्ट आज भी नहीं गया। और पड़ोसन फिल्म हम जब भी देखते हैं तो वो इतनी टेस्टी लगती है, इतनी फ्रेश लगती है कि बिगर चटनी के भी दत्त साहब का रोल इतना अच्छा लगता है। और उसमें काफ़ी कलाकार थे, महान कलाकार, किशोर दा, केष्टो दा, मुखरी जी, ओम प्रकाश जी, वो तो आपकी एक फुल डिश थी जिसमें सब कुछ था। और एक सवाल, आपने एक फिल्म में रोल किया था, एक नहीं तीन रोल किए थे मेरे ख्याल से, हमजोली में आपने पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब और शमी कपूर जी, इन तीनों का रोल किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोड्यूसर उन तीनों को लेना चाहता था और प्रोड्यूसर के पास इतना बजट नहीं था तो वो तीनों रोल आपने कर लिया एक ही बजट में और वहां भी आपने कुछ उंगली कर दी? फिल्म हमजोली में मैंने ट्रिपल रोल किया, एक तो पृथ्वीराज साहब का और दूसरा राज कपूर जी का जी,
और तीसरा शमी कपूर जी का, और शमी कपूर जी मेरे अंदर हमेशा समाये हुए होते हैं। आपने मेरी कोई भी एक्टिंग देख लेना, नहीं 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 मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था आपसे। और एक सवाल और आपसे पूछूंगा, लेकिन सवाल पूछने से पहले, जो आप आज आए हो गुमनाम के गेटअप में, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, वो डांस तो, वो गाना तो आज भी लोगों का पसंदीदा गाना है। और एक गुमनाम का डायलॉग हो जाए मेरे तरफ से, और दर्शकों की तरफ से एक फरमाइश है, एक गुमनाम का बेहतरीन डायलॉग हो जाए। गुमनाम का गाना आज भी हिट है, सही कहा। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ख्यालों में ख्यालों में, एक डायलॉग आप सुनना चाहोगे फिल्म गुमनाम से? ऐसी बात आना करूं मैम साहब, अगर आपके गोरे रंग पे हमारा काला रंग चढ़ जाए तो उसको स्पॉट ब्यूटी कहते हैं, नजर से बचने का एक काला तिलक। लेकिन मैम साहब, तुम्हारा अगर ये गोरा रंग कहीं हमारे काले रंग पे चढ़ जाए तो उसको कोड की बीमारी कहते हैं जी। क्या बात है, आपका हैदराबादी स्टाइल भी कमाल है। तो भाईजान, आपके साथ इंटरव्यू लेने का बड़ा मजा आया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टुक टुक टॉक शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया, मुझे भी आपसे बातें करके बहुत मजा आया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर टुक टुक टॉक शो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।